सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, आई एम श्रीविनय सालियन, राइटर डायरेक्टर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हियर आर माय 3 टिप्स फॉर राइटर्स। फर्स्ट आई वुड से एटीट्यूड मैटर्स एज अ राइटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिसन टू योर क्लाइंट्स। ज़्यादातर गलतियाँ जो मैंने देखी हैं बाकी राइटर्स को करते हुए कि वो लोग ज़्यादा अपनी बात करने में लगे रहते हैं और उससे क्या हो जाता है कि सामने वाले क्लाइंट का आप पे से विश्वास हट जाता है और जब आप सुनने लगते हो क्लाइंट्स का तो आपको वो समझ में आता है कि वो एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और जब आप वो समझ जाएंगे और उस हिसाब से डिलीवर कर देते हो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो द फर्स्ट थिंग फॉर मी इज एटीट्यूड मैटर्स, बीइंग हम्बल, बी क्लियर कि सामने वाला भी उसी बिजनेस में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना आप है। आपको सब कुछ नहीं पता होता, हर मौके पे आपको सीखने का अपॉर्चुनिटी है। जब आप समझोगे कि आप सब कुछ सीख गए हो वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए और सामने वाले को उतने ही ह्यूमिलिटी से और फ्रैंकनेस से डील कीजिए। सेकेंडली आई वुड से कि जार्गन्स और स्ट्रक्चर्स आर नेसेसरी बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे आप राइटर हो और आपको एक ही चीज़ समझना चाहिए कि आप एज अ रीडर अपने ऑडियंस को और एज अ व्यूअर उनको एंगेज करना है अपनी स्टोरी पे। कुछ लोग बोलेंगे कि 4 एक्ट स्ट्रक्चर लिख पाते हो या 3 एक्ट स्ट्रक्चर लिख पाते हो, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके सामने डालेंगे। उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाइए और उससे ज़्यादा इंटिमिडेट मत हो जाइए। अगर आप एक स्टोरी स्टार्ट टू एंड बोल पाते हो और उसमें जो आपका स्टोरी सुन रहा है एज अ रीडर स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या एज अ ऑडियंस जो देख रहा है वो एंगेज हो गया तो आप अचीव कर गए अपने गोल। ज़्यादा स्ट्रक्चर्स और टेक्निकलिटीज़ में अटक के यूजुअली क्या हो जाता है कि आपको लगता है कि स्क्रिप्ट परफेक्ट है बट उसमें एक सोल नहीं रहता। और एज अ राइटर व्हाट मैटर्स इज योर स्टोरी शुड हैव अ सोल। फाइनली द थर्ड पॉइंट आई वुड से कि फोकस ऑन योर ओन सेल्फ प्रमोशन। मोस्टली राइटर्स लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, एक जेनरिक कंसेप्ट है और कुछ लोग उसे सीरियसली भी ले लेते हैं। बट जब तक आपका काम दिखेगा नहीं और काम मिलेगा नहीं तो उसे सही चैनल्स में सही एवेन्यूज में प्रमोट करना जिम्मेदारी आप ही की है। तो सेल्फ प्रमोशन पे फोकस कीजिए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेंटेन अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑनलाइन रैदर देन एक जेनरिक एक ही प्रोफाइल में सब कुछ डालो। बिकॉज काफ़ी लोगों से गलती हो जाती है कि वो लोग बहुत कुछ पर्सनल डाल देते हैं जिससे आपके करियर को कुछ हेल्प नहीं होगा। इनफैक्ट पॉसिबल है कि एक इमेज ऐसा बनेगा जिसमें क्लाइंट्स आपको अप्रोच नहीं करेंगे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।